वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हंसराज बोराना जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपांशी दुसेजा आज आपको कन्यादान पॉलिसी के बारे में कुछ बताऊंगी, तो आप बहुत कुछ जान पाएंगे कन्यादान पॉलिसी के बारे में और आप अपनी बेटी का कन्यादान अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। कन्यादान पॉलिसी प्लान नंबर 933। तो सबसे पहले तो इसमें टर्म होती है जिसमें हमको पता चलता है कि हम कितने साल तक इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो हम इस पॉलिसी को 13 टू 25 ईयर्स के बीच में ले सकते हैं। अगर आप ये प्लान ले रहे हैं तो मिनिमम आपकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और इसकी मैक्सिमम एज है 50 ईयर्स। तो कोई भी इंसान या कोई भी पर्सन 18 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक ये पॉलिसी ले सकता है। मिनिमम आप कितने तक की पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो मिनिमम सम एश्योर्ड होता है 1 लाख। मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिटेड। वो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि LIC आपको कितने तक की पॉलिसी देती है। आइए हम इसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं और इसका ये भी पॉइंट जानते हैं कि इसे कन्यादान पॉलिसी क्यों कहा गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पॉलिसी किसी भी लड़की के नाम नहीं ली जाएगी, उसके फादर के नाम ली जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अपन मान लेते हैं किसी की एज 25 ईयर्स है, उनकी अभी अभी बेटी हुई है और वो अपनी बेटी के लिए कन्यादान प्लान लेना चाहते हैं। वो अपने बेटी के कन्यादान के लिए पैसे इकट्ठे करना चाहते हैं और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपनी बेटी के लिए। अगर वो अपनी बेटी की शादी 21 ईयर्स में करते हैं तो उन्हें 21 ईयर्स की टर्म लेनी पड़ेगी। अगर वो अपनी बेटी की शादी 21 ईयर में कराएंगे तो उन्हें प्रीमियम ओनली 18 ईयर्स भरना पड़ेगा। इसमें प्रीमियम 3 ईयर्स लेस होती है। अगर हम हाफ क्वार्टर की लेते हैं तो हमें पड़ेगा 13,269 रुपीस, और अगर हम मंथली की करते हैं तो हमें पड़ेगा 2,234 रुपीस, और अगर हम ईयरली की करते हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट मिलता है तो उसमें हमें वन डे के 73 रुपीस लगते हैं। अभी उनकी बेटी की एज 0 ईयर है और वो शादी 21 ईयर्स तक करवाएंगे तो उनको वहाँ पर मिलेगी, अगर वो 21 ईयर की होने पर शादी करवाते हैं तो उनको 10,64,000 मिलेंगे। तो 10 लाख में सम एश्योर्ड होगा 5 लाख रुपए का। यहाँ पे हम 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम चेक कर रहे हैं। इसमें बोनस होगा 5,14,500 रुपए का। साथ ही साथ फाइनल एडिशन बोनस होता है 50,000 रुपए का। तो इन सब का टोटल करने पर आपका हो जाएगा 10,64,000 और LIC 11 लाख रुपए तक अमाउंट देती है आपको मैच्योरिटी के टाइम पर। अगर इन 21 सालों में कुछ हो जाता है, अगर नहीं भी होता है, नॉर्मल केस रहता है तो, अगर फादर को कुछ नहीं होता है तो आपको ये अमाउंट मैच्योरिटी पे मिलेगा 10,64,000 रुपीस। और अगर उस केस में फादर को कुछ हो जाता है तो बेटी के पैसे वहीं इकट्ठे रहेंगे, साथ ही उसके लालन पालन के लिए भी LIC पैसे देती है। तो हम टर्म लेते हैं 0 ईयर्स टू 21 ईयर्स जो कि हमने पहले लिया था। तो 0 ईयर्स से 3 साल बाद, मतलब LIC करने के 3 साल बाद फादर की डेथ हो जाती है, तो जितने रुपए का उन्होंने इंश्योरेंस कराया था साथ ही साथ वो तो उनको उनकी डेथ के बाद मिलेंगे ही। अगर उनकी डेथ एक्सीडेंटली होती है या एक्सीडेंटली होती है तो उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे एडिशन के 10 लाख रुपए।
उसके बाद उसको हर साल जितने का उन्होंने बीमा लिया था उसका 10% उसको मिलेगा, मतलब हर साल 50,000 रुपये उसको मिलेंगे बेटी के पालन पोषण के लिए, यानी कि डेथ होने के बाद हर ईयर उनको 50,000 रुपये मिलते रहेंगे, उनको 18 साल तक 50,000 रुपये मिलते रहेंगे। 50,000 पर ईयर मिलाकर पूरे 18 साल के हो गए 9,00,000 रुपये। तो जब 21 साल हो जाएंगे मैच्योरिटी के तो आपको 10,64,000 तो मिलने ही मिलने हैं, जो कि 11,00,000 तक अमाउंट जाएगा। तो देखिए आपको 10,00,000 रुपये तो फादर की एक्सीडेंट पे मिले, उसके बाद हर साल 50,000 रुपये 18 साल तक मिले तो 9,00,000 वो हो गए, और मैच्योरिटी होने पर 11,00,000 रुपये तक मिलेंगे, तो कुल मिला के हो गए 30,00,000। तो आप देख ही सकते हैं कि बेटी के लिए कितना प्रॉफिट हो गया। और अगर नॉर्मल केस रहता है तो कन्यादान के पैसे मिलेंगे ही 11,00,000 रुपये तक। तो आप देख सकते हैं कि 10,00,000 रुपये तक एक्सीडेंट पे मिल रहे हैं, 9,00,000 रुपये बच्ची की एजुकेशन के लिए मिल रहे हैं, और कन्यादान के लिए भी 10,64,000 रुपये आपको मिल रहे हैं। तो देखिए इसे कन्यादान पॉलिसी क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसकी शादी पर पैसे उसे मिलते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।